भगवान राम को कब भव्य मंदिर दोगे। तो जैसे ही 2019 में आपने यहाँ से सुनील जी को चुनाव जिता कर भेजा, वैसे ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र जी, ये तो माता सीता का जन्म जगह स्थान है ना। और बिहार, बिहार में भी हम लोगों ने तय किया, उत्तर प्रदेश में भगवान राम अयोध्या में स्थापित हो गए साथियों। अब हम लोगों ने भी तय किया है माँ सीता को भी भव्य सीता मंदिर में हम लोग सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों हम आग्रह करना चाहते हैं, और स्वाभाविक है जब सीता मंदिर बनेगा तो लंबकुश तो स्थापित हो ही जाएगी, एकदम चिंता मत कीजिए। लेकिन साथियों आपके यहां एक हरियाणा का डाकू घूम रहा है, समझ गए ना। तो ये डाकू दूसरे प्रदेश से आपको लूटने आया है। पहले तो किसानों से लूटने का काम कर रहा है, और अब जो है वोट लूटने की तैयारी कर रहा है। तो देना है क्या इस लुटेरे को? नहीं ना। देखिए साथियों, एक मजबूत सरकार बनानी है, और अभी मंगल जी ने बताया ना आपको, वैसे तो लालटेन का युग खत्म हो गया ना। लालटेन का युग है क्या? नहीं ना, एकदम लालटेन को खत्म, और एकदम स्पष्ट रहिए 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा, इतना स्पष्ट करना चाहता हूं आप तमाम साथ। और एकदम एक एक रोक लग जाइए, क्योंकि ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, दुनिया में दम का बजाना है साथियों। और याद कीजिए यूक्रेन और भारत का, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा, लाखों बच्चे भारत के बस गए थे। भारत के बच्चे ने मोदी जी को फोन करके कहा, हमको भारत लाने का काम करो मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको। 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया साथियों। पुतिन ने पूछा भारत के बच्चे को पहचाने के कैसे, मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ऐसा भारत हो गया साथियों, आज श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लिया है। और दो चीजों को कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, अभी और 4 जगह सभा करनी है साथियों। एकदम अस्वस्थ रहिएगा, ये जो माफिया घूम रहा है ना, ये सबका इलाज करूंगा। अभी तक तो रंगत सिहार बनकर हमारे पट्टिया में घुसल था, समझ गया ना। ठीक कहा सतीश जी ने, यहीं पर बैठकर सत्ता का आनंद लेना चाहता था। पिछले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, एकदम अस्वस्थ रहिए। ये जो 3 तरह के माफिया है साथियों, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, या जमीन गरीबों का लूटने वाला माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला किसान का माफिया हो, एकदम अस्वस्थ रहिए। या तो उसको इस चंपारण के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो उसको नेपाल भागने के लिए मजबूर करूंगा। एकदम अस्वस्थ रहिए। हम लोगों ने पूरा चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं जानता हूं 1995 में भी बैजनाथ जी के लिए मैं आया था, बैजनाथ महतो जी हाँ जो उम्मीदवार हुए थे आपके नौतन से, विष्णु जी उम्मीदवार हुए थे वाल्मीकि नगर, जो उस समय भगवान का स्वरूप कहा जाता था, तो घना का स्वरूप था। तो साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए, कोई अपराधी बिहार में तांडव नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम जरूर किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन दो चीज में कहकर अपनी बात को इसलिए विराम करूंगा, आप सोचिए 1990 से लेकर 2005 तक ना बिहार में किसी को आरक्षण था साथियों, यहां पर बाबू समाज को भी आरक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देने का काम किया, और यहां पर अति पिछड़े को भी
लालू जी ने तो 15 साल में ना पिछड़े को आरक्षण दिया ना गरीब को आरक्षण दिया, लेकिन जब आपका आशीर्वाद मिला आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पहली बार 50% का आरक्षण महिलाओं को एनडीए की सरकार ने देने का काम किया था। 20% अति पिछड़े को आरक्षण दिया, 17% एससी और एसटी के आरक्षण को देने का काम किया। और साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं, बिहार में नौजवानों को रोजगार देने का काम भी नीतीश कुमार की सरकार ने 1990 से लेकर 2005 तक आप देखिएगा तो 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। आज हमारी बहने पुलिस में दिखाई दे रही है, 33% 35% आरक्षण दिया, वो नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, किसी दूसरे सरकार ने नहीं दिया। आज लाखों की संख्या में मोहाली करते हैं, लाखों की संख्या, और आपको स्वस्थ करना चाहते हैं। 2005 से लेकर नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और एकदम अस्वस्थ रही नौजवान साथियों, 2025 के चुनाव के पहले जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट। और इस मतदान के माध्यम से देश में सरकार का रास्ता और 400 का सपना जो मोदी जी का है उसको पूरा करना है, और इसलिए करना है कि 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ साथियों, तब से इस देश में आपके लोकतंत्र में कई सरकारें देखा, कई सरकार आई और चली गई, लेकिन देश में कभी भारत का सम्मान नहीं बढ़ा, भारत श्रेष्ठ नहीं हो रहा था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा, दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, और हम आग्रह करने आए हैं, जिस भारत को एक गरीब राज्य माना जाता था, गरीब चौथा वर्ल्ड माना जाता था, चौथी दुनिया माना जाता था, हमको जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, उसी अंग्रेज को हम आर्थिक तौर पर हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ने का काम किया था। और आपको याद है इस देश को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, इतिहास के पन्ने में था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आए 17 बार भारत को लूटने का काम किया, कभी 400 वर्षों तक मुगलों ने इस भारत को लूटा, और कभी अंग्रेज आए उसने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने कहा ये भारत श्रेष्ठ बनेगा, भारत सोने की चिड़िया नहीं बनकर सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा था। और आज आपने देखा होगा भारत दुनिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं।